नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं आईएनएन 24। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बिलासपुर के तोरवा पुलिस ने लोन के नाम पर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल गूगल के जरिए मुद्रा लोन को सर्च करने वालों को टारगेट बनाकर ठगी करने वाले आरोपियों को मध्य प्रदेश के कटनी जिले से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल बिलासपुर के तारबहार क्षेत्र में रहने वाले जसविंदर कुमार ने ठगी की शिकायत तोरवा थाने में की थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम बनाकर छापेमार कार्यवाही शुरू की। इस दौरान आरोपी लगातार अपना लोकेशन बदल रहे थे। लोकेशन के आधार पर पुलिस ने 3 आरोपियों को कटनी से गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप, टैबलेट, 4 मोबाइल, 6 नग सिम कार्ड, 31 अलग अलग बैंकों के ATM कार्ड, 14 पासबुक और 12 नग चेकबुक समेत 2,55,000 नगद बरामद किया है। इसके अलावा करीब 4,50,000 से अधिक संपत्ति में पुलिस ने जब्त की है। ये तोरबा थाने में एक ऑनलाइन ठगी के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। इसमें पुलिस टीम के द्वारा 3 आरोपियों को पकड़ा गया है। ये टीम पहले दिल्ली गई थी इनकी तलाश में, लेकिन फाइनली मध्य प्रदेश कटनी से इनको आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से 2 आरोपी बिहार के हैं और एक बनारस का रहने वाला है। बेसिकली मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर ऑनलाइन इन्होंने फेक फाइनेंस जो वेबसाइट्स होती हैं, जैसे बजाज फाइनेंस, जो कि गूगल सर्च करने पर इस तरह की जो फेक वेबसाइट्स हैं ये पॉपअप होती हैं, और इस पर जब प्रार्थी ने अपनी डिटेल्स डाली तो इनके द्वारा मोबाइल से उसे संपर्क किया गया और प्रोसेसिंग फीस और अन्य फीस के नाम पर इससे 4.5 लाख रुपये पहले अपने खाते में डलवा लिए। और उसके बाद जब प्रार्थी को समझ में आया कि किसी प्रकार का लोन उसको नहीं मिल रहा है और वो ठगा गया है, तब ये FIR पंजीबद्ध हुई। बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स और जो एक्टिव मोबाइल नंबर्स थे उनके बेसिस पर जब पता तलाश शुरू करी तो टीम पहले दिल्ली पहुंची और उसके बाद आरोपियों की तलाश करते हुए कटनी से इनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें करीब 2.5 लाख रुपये कैश और 4.5 लाख की अन्य संपत्ति आरोपियों से बरामद की गई है। इनके पास से कई लैपटॉप्स, ATM कार्ड्स, करीब 30 ATM कार्ड्स अलग अलग खातों के, 12 पासबुक्स, चेकबुक्स और इस प्रकार की संपत्तियां भी बरामद की गई हैं। और इनके द्वारा कई लोगों को इस प्रकार से ठगा जा चुका है मुद्रा लोन दिलाने के नाम। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।